धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा। हम ये यजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सदगुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है। जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा, जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पा रहे हैं। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जानेगा।